जामिया में आज स्टूडेंट्स के धरना प्रदर्शन को 1 महीना 10 दिन हो गए हैं। जामिया के गेट नंबर 7 पर ये धरना प्रदर्शन मुसलसल जारी है। जामिया में जो घटा उसके बारे में सब लोग जानते हैं। इस मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं फैकल्टी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर इब्राहिम साहब, जो मौजूदा वक्त में डीन भी हैं। आइए हम उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इन हालात को वो किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले वक्त में जामिया का जो मुस्तकबिल है, ख़ासतौर से स्टूडेंट जो प्रोडक्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको वो किस अंदाज में लेते हैं। जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 1988 में बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा मिला और तब से ये मुसलसल जो है वो अपनी तरक्की पर है। यहाँ ये एजुटेशन की जहाँ तक बात है, जब भी कोई इस तरह के मौके आते हैं कि जब स्टूडेंट समझते हैं और यहाँ का टीचर फ्रेटर्निटी भी ये समझती है कि भाई इशू ये ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो ये अपने वक्त वक्त अपना चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को और अपने जो उनके जो कहना चाहते हैं वो उसका अपोज और सपोर्ट वो वक्तन वक्तन वो करते रहते हैं। तो अब आखिरी पैगाम क्या है, आप इस मौके को किस तरह से सॉर्ट आउट हो, किस तरह से सुलझे और क्या क्या आप किस तरह से एज ए मैन डीन होने के नाते क्या पैगाम देना चाहते हैं? एट यूनिवर्सिटी लेवल बच्चों से बिल्कुल हम लोग सारे बात कर रहे हैं, जिस लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं सारे बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द वाइस चांसलर, PVC, रजिस्ट्रार, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये नॉर्मल हो और हमारे जो कुछ 2-1 एग्जाम रह गए वो हों, उसके बाद क्लासेस वगैरह शुरू हों। और इसके इस सिलसिले में बच्चों से बात हुई है और बच्चों के जो नुमाइंदे हैं उनको हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनसे हमारे टेलीफोन पर और उनको बुला के बात हुई है एंड दे आर एग्रीड कि इम्तहान हो जाना चाहिए और यूनिवर्सिटी उस पर चलनी चाहिए। और FIR की उनकी एक डिमांड थी कि हमारे ऊपर जितने बच्चों पर मारपीट हुई है उस पर एक पुलिस के खिलाफ FIR होनी चाहिए। वो 156 के एक आर्टिकल के तहत जो है वो कल दाखिल यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर सारे कर दिए गए हैं। अब ये कोर्ट की सुनवाई होगी, कब नंबर लगता है उसका, उसके बाद मेरे ख्याल में बच्चों की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर एजिटेशन जो है एक, चूंकि अब ये इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रिपोर्ट का है, तो यूनिवर्सिटी को इसमें कोई एतराज नहीं कि वो पीसफुली कहीं भी यूनिवर्सिटी में बच्चे घंटे 2 घंटे जो भी अपना एजिटेशन चला चाहते चलाएँ अंटिल दिस सॉल्यूशन इज गवर्नमेंट किसी सॉल्यूशन पर आ जाती है, इसका कोई फैसला हो जाता है। तो ये थे प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो मौजूदा वक्त में डीन हैं, जिनका ये कहना है कि जो एजिटेशन बच्चे कर रहे हैं इससे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह के भी कोई दिक्कत नहीं है अगर ये पीसफुल तरीके से होता है। रहा सवाल बच्चों के मुस्तकबिल का, तो उसके लिए जामिया एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों से निरंतर संपर्क में है और बच्चे किसी हद तक राज़ी भी हो गए हैं कि आने वाले समय में एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि उनकी एजुकेशन भी सफ़र ना करे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने जो एट्रोसिटीज़ की इसका ये फॉलआउट है जिसकी वजह से आज ये धरना प्रदर्शन अपने इस चरम सीमा पर पहुंचा जिसके लिए खुद पुलिस जिम्मेदार है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ बिलाल सबजवारी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।